हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं श्रीराम फाइनेंस के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 17 जुलाई 2023 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले श्रीराम फाइनेंस में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन स्टॉक में 0.29% का नेगेटिव मूव 1783.90 पे हमें क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका यहाँ पे कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे को स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है जरूर हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं मंडे के चार्ट में, बात करते हैं आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज से भी कम हमें थोड़ा वॉल्यूम देखने मिल रहा है। कैंडल यहाँ पे जो है स्मॉल साइज की बॉडी बनी है, दोनों के साइड में छोटी छोटी विक देखने मिल रही है। RSI 68-69 के आसपास आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूरत नेगेटिव मोमेंट का इशारा देता है, लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी हमें कंसिडर करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ RSI इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन जरूर एक नेगेटिव मूव का एक्सपेक्टेड है। स्टॉक में डाउन साइड जो अराउंड 1760 के आसपास देखने में, उसको भी क्रॉस करते हुए मूवमेंट हमें इजीली जो है 1720 तक आते हुए देखने मिल सकती है। बाकी स्टॉक में यहाँ पे ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा और वहीं पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे क्या लेवल्स बनते हैं वो आपको जो है मैं बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करनी है तो स्टॉक अभी भी आपको यहाँ पे अराउंड 1710 के आसपास आते हुए देखने में जरूर वहाँ पे बाइंग करें। वहाँ से आपको 5-10% का इजिली अपसाइड मूव जो है 10-15 ट्रेडिंग डेज के अंदर आते हुए देखने मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी है करंट प्राइस में रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं तो कहूँगा स्टॉक को आप आराम से गिरने दे। स्टॉक अभी भी आपको जो यहाँ पे अराउंड 1630 के आसपास आते हुए देखने मिले तब आप वहाँ पे जरूर बाइंग करें, लेकिन 100% कैपिटल ना डाले, 20-25% तक आप कैपिटल डाले, बाकी कैपिटल आप होल्ड करके रखें। जब भी एडिशनल डाउनफॉल आपको 10-20% का देखने मिले तब आप वहाँ पे एडिशनल बाइंग करें। याद रखना एडिशनल बाइंग आपको हेल्प करेगा अपना बाइंग एवरेज प्राइस को जो कम करने में, और जितना बाइंग एवरेज प्राइस आपका लॉन्ग टर्म के लिए कम होगा उतना ही बढ़िया प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म में देखने मिलेगा। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए 1 आर के चार्ट में कल के दिन क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। कुछ सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस ऐसे यहाँ पे जरूर मार्क्ड है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट जो है ऊपर के साइड में जो यहाँ पे हमने डेटा जो है मार्किंग नहीं किया हुआ था, इस रेंज में हमने स्टॉक का कोई एनालिसिस नहीं किया था, तो इसकी वजह से यहाँ पे हमें जरूर जो मार्किंग करनी है। तो जो भी मैं मार्किंग्स कर रहा हूँ मैं चाहूंगा आप भी जो सेम टू सेम अपने चार्ट में मार्किंग्स कर ले, क्योंकि ये मार्किंग्स जो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करने में। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरीडे 4 स्टॉक्स जो एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी मार्किंग जो कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एडिशनल डेटा जो मार्क करके दे देता हूँ ताकि कभी भी अगर स्टॉक का हम बीच में जो एनालाइज ना भी ले तो भी आप हमारे पुराने वीडियोस को जो रेफर करते हुए यहाँ पे अपने चार्ट पे मार्किंग्स करते हुए जो है यहाँ पे अपने बेसिस पे यहाँ पे जो है शॉर्ट यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर की साइड में डेटा नहीं है तो यहाँ पे हम साइकोलॉजिकल नंबर भी यूज करते हैं, उसको भी आप मार्क कर ले। अब मैं बात करूँ इसके क्लोजिंग की, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1783 के आसपास क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है हमारा यहाँ पे 1775 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 1789 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है उसको आप जरूर देख ले, वहाँ पे मैंने आपको हर एक चीज समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट आपको जो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। तो डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 1761 का, उसके बाद 1749 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 1806 का, उसके बाद 1829 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताया है जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जब अपना यहाँ पे कल के दिन का ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए कहूँ, मेरा ओपिनियन स्टॉक में जरूर एक पॉजिटिव क्लोजिंग का है। 1789 से लेकर 1806 के रेंज में हमारी
क्लोजिंग की एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी यहाँ पे जो न्यूट्रल टाइप की जो है, यहाँ पे हमें फ्लैट ओपनिंग जो देखने मिल सकती है मंडे के दिन, लेकिन इस रेंज में हम एक पॉजिटिव क्लोजिंग जरूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है मंडे के दिन, हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।